नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। मेरे साथ हैं अजय कुमार। नमस्ते। अजय अभी एसबीए क्लर्क पद पर कार्यरत हैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। तो अजय, ये पहली ज्वाइनिंग है आपकी या फिर इससे पहले भी आप चयन हो चुका है आपका? ये मेरी सेकंड ज्वाइनिंग है, मतलब इससे पहले मैं SSC CHSL में लगा हुआ था। अच्छा जी। उसको मैंने रिजाइन करके एसबीआई क्लर्क मैंने ज्वाइन करी। वो कब लगा था आपका जॉब? वो मेरा जॉब, मतलब उसकी डेट तो जो मेरा जन्मदिन था उस दिन, मतलब एक गॉड गिफ्टेड जो बोलते हैं वो था 20 दिसंबर 2019, लेकिन अच्छा। उसकी ज्वाइनिंग मेरे को मिली 30 जून 2020 को। कहाँ पर आपने वहाँ पे कार्यरत थे CHSL में? SSC CHSL में मैं तेलंगाना में पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्यरत था। पोस्टल डिपार्टमेंट में तेलंगाना में थे। हाँ। तो जॉब छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा, आपने बैंक क्यों चुना फिर? जॉब छोड़ने के पीछे कारण ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ये था कि वो एक तो लॉन्ग डिस्टेंसिंग एरिया हो रहा था और थोड़ा उधर का क्लाइमेट और अपने राजस्थान का क्लाइमेट में भी थोड़ा चेंज था, मतलब उसमें डिफरेंस था जो अपने को सूट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो है कि एडजस्टमेंट तो हर जगह करनी पड़ती है अपने को। तो ये जॉब कब से कर रहे हो आप SBI के? ये SBI में मैं आया था 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020, अभी चल रहा है अपना जुलाई। तो 7-8 महीने, 7-8 महीने हो गए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही एकदम जो स्ट्रेस, जो पहले बोलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ का जो स्ट्रेस है वो तो एकदम तो से तो नहीं बोल सकते कि अपन निकल गए। सही बात। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ सेट हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब आप और भी कोई तैयारी कर रहे हो शायद? किसकी तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल मैं RAS पे फोकस कर रहा हूँ। RAS करना स्टार्ट कर दिया आपने? तैयारी चल रही है बढ़िया से? हाँ बिल्कुल, बढ़िया तैयारी चल रही है। तो वहाँ पाली में अकेले रहते हो क्या? हाँ फिलहाल मैं वहाँ पे अकेला रहता हूँ। तो क्या वहाँ पे आपका ग्रुप मिला ऐसा कि RAS की तैयारी करने के लिए कोई और स्टूडेंट? नहीं नहीं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज आजकल बहुत सारे हैं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर जगह अपने को मिल सकता है। तो ये जो आपने चयन हुआ है आपका, पहले आपने कहा CHSL में हुआ फिर SBI में हुआ, ये सेल्फ स्टडी से हुआ या फिर कहीं पर आपने ज्वाइनिंग कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था? ये मैंने 2017 में मैं आया था सर से, तो मैं 2015 से ही कॉन्टेक्ट में हूँ, लेकिन सही कह रहे हो। इनके आने के बाद जैसे ही थोड़ा SSC का ज्ञान हुआ तो सर से पूछा, तो इन्होंने फिर 2017 में मैं सीकर आया था, उसके बाद से मैंने SSC की तैयारी शुरू करी। लेकिन SSC और बैंक में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आप एक मैं बैंक की रीजनिंग निकाल के या फिर बैंक की मैथ्स निकाल के जब SBI पे आते हो, मतलब बैंक की निकाल के जब SSC पे आते हो, तो एक तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है और एक जो स्पीड होती है ना और जो टाइम लिमिट होता है वो एक मेंटेन हो जाता है, जो कि आपको और भी जो सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करने की बहुत बढ़िया जो टाइम जो होता है वो उसमें निकल सकता है आप। तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी इसमें तैयारी करने में, क्या आपने क्या अपनाया, मतलब कौन सा तरीका था आपका पढ़ने का? स्ट्रेटेजी तो ऐसा था कि शुरू में तो मेरे साथ मेरी सिस्टर रहा करती थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि खाने वाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। सही बात है। लेकिन फिर जैसे ही उसका ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद एक दिलीप भास्कर नाम का एक लड़का मिला और उसके बाद एक ग्रुप बना। दिलीप भास्कर मैं भी जानता हूं, मेरे से पढ़े हुए हैं। हां दिलीप भास्कर, जो कि मतलब एक अलग सा उनके साथ रहने से अलग सा जो कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं वो आता है। हाँ वो तो देखो है ही कि अगर आपको वैसा ही आपका आदमी मिल जाए साथ वाला। हाँ। कि जो आप सोच रहे वैसा सोचता है तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है उस चीज़ का। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि अपन थोड़ा सा पीछे हो जाते थे, लेकिन वो बोलता था कि नहीं यार आज अपन ने पढ़ाई नहीं करी, आज करेंगे। तो सही बात है। टेस्ट वगैरह कितने दिए आपने? टेस्ट तो अप्रोक्स 100 अबव दिए थे। अच्छा, तो वहाँ पे अभी जो आप जॉब कर रहे हो और भी लड़के हैं क्या अपने साइड के? अपने साइड के पाली में मतलब एक दो बैंक छोड़ के, बाकी मतलब आउट ऑफ 3-1 एक बैंक ऐसा है जिसमें झुंझुनू सीकर चूरू तीन डिस्ट्रिक्ट के मिल जाते हैं, क्योंकि शेखावाटी एक ऐसा एरिया है जिसमें लोग मतलब डिपेंड होते हैं सरकारी नौकरी पे, क्योंकि इधर इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है कि अपन कोई वो कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि भी आपने सरकारी नौकरी क्यों चुना, प्राइवेट क्यों नहीं करना चाह रहे थे आप? उसके ऊपर थोड़ा सा रीज़न ये है कि बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी को ही प्रायोरिटी देते हैं। गुजरात में ऐसा नहीं होता लेकिन? हाँ गुजरात में लोग क्या अपना ऑक्यूपेशन जो उसका जो प्रोफेशनल होता है वो उसको अलग करते हैं, मतलब डिसाइड से अलग, स्टडी से अलग करते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप प्राइवेट जॉब में कुछ भी कमा रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। सही बात है। सरकारी जॉब में अगर आप 25-30 हज़ार भी कमा रहे हो या फिर अबव 30 भी कमा रहे हो तो लोगों की नज़र में जो रेस्पेक्ट होती है वो अलग ही हो जाती है। सही बात है। ये मैं देख ही रहा हूँ, आजकल मैं इंटरव्यू सेशन जो कंडक्ट करना स्टार्ट किया मैंने, तो मैं देख ही रहा हूँ कि जो सरकारी जॉब में अब लग गया, आपका भी खैर अब ड्रेसिंग सेंस ही चेंज हो गया और वैसे मेंटल पीस आपके है ही,
तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है क्या तैयारी करने का, बारह से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल, देखो सर टाइम का तो ऐसा है कि अपन एक एक्सक्यूज बना सकते हैं कि अपने को टाइम नहीं मिलता, बाकी टाइम ऐसा है कि 10 से 5 साढ़े पांच के बीच ड्यूटी रहती है, उसके बाद आप टाइम को कैसे भी मैनेज कर सकते हो, या तो सो के मैनेज कर लो या फिर पढ़ के मैनेज कर लो। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो क्या बच्चों को क्या बताना चाहोगे आप? बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं अपने से जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, और खास करके ये रहता है, मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट किया मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल ये रहा है कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी एक जॉब की तैयारी करने के लिए, एक साल हुआ कि डाइवर्ट हो जाते हैं, बैंक स्टार्ट किया फिर एसएससी स्टार्ट किया, तो कई बार लगता है पटवार तैयारी कर दी फिर आरएएस पे चले गए, तो उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? इसमें ये है कि तैयारी एक ही चीज़ की करो, मतलब फोकस रहना, और जो फिलहाल का जो रिजल्ट जिस हिसाब से आ रहा है उसमें स्टूडेंट को रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, खुद की स्टडी पे ध्यान देना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस होने से ही सब कुछ होगा। अच्छा, एसबीआई में आपका चयन हुआ तो उसमें एक फैक्टर ये भी रहता है, इंग्लिश ही फैक्टर रहता है। हाँ, इंग्लिश फैक्टर। तो इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया आपने? इंग्लिश जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि शुरू में मेरा इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था कि इंग्लिश मेरी अच्छी भी बोल नहीं सकता कि इतनी अच्छी थी कि मैं मतलब बिना कोचिंग के या फिर बिना तैयारी के निकल जाऊँ, लेकिन फिर जैसे ही सर के संपर्क में आया तो थोड़ा वो जो मिलता है कि अपने को गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होती है, खुद अपन पढ़ सकते हैं लेकिन बिना गाइड के अपन पढ़ नहीं सकते, तो फिर वो गाइडेंस मिली डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना। और कौन सा अखबार पढ़ते थे आप? हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3-4 महीने मैंने द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या फ़र्क पड़ा इन अखबार पढ़ने से? इन अखबार पढ़ने से इतना ही फ़र्क पड़ा कि मतलब जो अपनी वोकैब है एक रूल के हिसाब से नहीं चलती है, इंग्लिश रूल्स पे डिपेंड नहीं है, इंग्लिश को जितना आप अखबार के जरिए या फिर और भी किसी जो क्विज वगैरह वो जो आती हैं मैगजीन वगैरह उनसे अपन पढ़ें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब और खास करके मतलब बैंक की अगर बात करें तो वहाँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है आपसे, एसएससी में तो फिर भी रहता है कि रिटर्न अटैक काम आ जाता है, लेकिन बैंक में तो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो गया होगा आपका अखबार से। लगभग कितनी वोकैब याद करनी पड़ी आपको? लगभग मतलब 3 से 3,500। 3 से 3,500 अभी भी याद आते होंगे वर्ड्स? हाँ, अभी भी। जो आरएएस में भी आपका पेपर होगा एक फोर्थ पेपर इंग्लिश का होगा, 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का होगा, तो क्या लगता है आपको इसके अपेक्षा तो आसान आती है इंग्लिश आरएएस? हाँ, इंग्लिश की आरएएस की तो इंग्लिश एक एडवांटेज हो गया आपके लिए। अब तो अब घर वाले काफ़ी खुश होंगे? हाँ, घर वाले तो मतलब जैसे ही मेरा जो फाइनल जो इससे अभी तो ये है कि जैसे मैंने ये स्किप करके एसबीआई में आया तो उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैंने जो मेरी फर्स्ट जो हुई तेलंगाना में जब ज्वाइन लगा था। और ये डिसीजन आपका था या परिवार का था आपके कि वहाँ छोड़ के आ जाओ और यहाँ ज्वाइन कर लो? इसमें एक छोटा सा जो एक वर्ड जो मेरे से मेंशन करवाया गया था, जो वर्ड आज भी मुझे याद है कि मेरा जो लेटर लिखा गया हुआ था उसमें एक अनकंडीशनली जो वर्ड था वो हाईलाइट किया हुआ था, बाकी कुछ हाईलाइट नहीं था, लेकिन जब मैंने पूछा सर ये क्या चीज़ है तो बोला ये कि ये वर्ड ऐसा है कि अगर तुम वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। तो फिर ये एक रिस्क था ये बहुत बड़ा कि अगर इधर से भी छोड़ दिया और उधर से भी छोड़ दिया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सही बात है। तो फिर आपको अपने आप पे विश्वास था तो आप कर गए उस चीज़। हाँ, विश्वास। और फिर एक जो बोलते हैं कि लोग तो बोलते हैं कि जो हीरो होता है ना वो बाप ही होता है, तो मैंने बात करी पापा ऐसी ऐसी बात है तो फिर बोला जो पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं, 2 मेरी सिस्टर हैं। परिवार में और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है क्या? मेरे पापा जो हैं वो रिटायर हैं, जो मेरे से सबसे टीचर है वो सबसे छोटा ही छोटा मैं नहीं टीचर नहीं है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और एक आप जॉब लग गए? हाँ, एक मेरी सिस्टर है छोटी वाली। तो 3 लोग आप गवर्नमेंट जॉब में, परिवार का माहौल बड़ा ही प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हो आप। ठीक है, बढ़िया बात है। तो सबसे मतलब खास बातें अगर मैं हाईलाइट करूँ इस इंटरव्यू की तो ये रहेगा कि भाई आप एक तो फोकस्ड रहें, बिल्कुल है ना, दूसरा आप लोग जैसे कहा कि दिलीप भास्कर ने आपको मोटिवेट किया, एक स्टूडेंट ने, तो आप एक ग्रुप स्टडी भी बहुत बड़ा ग्रुप स्टडी, तो एसएससी के लिए अगर आप एसएससी या फिर बैंक की किसी भी तैयारी कर रहे हो उसमें ग्रुप स्टडी तो बहुत मैटर करती है। और टेस्ट का क्या महत्व है? टेस्ट तो ऐसा है कि आपको पता चल जाता है कि और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपन जो एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने से, स्मार्ट वर्क ऐसा होता है कि हार्ड वर्क में अपन किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो भी अपन तैयारी कर रहे हैं उसके टेस्ट दो और एनालिसिस करो रेगुलर। तो जो हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क में यही फर्क होता है। कई बच्चों ने ये पूछते हैं सर कई कि नॉवेल्स पढ़ने चाहिए क्या, क्या लगता है आपको? नॉवेल्स देखो, मेरा अगर मैं बताऊं तो मैंने एक ही नॉवेल पढ़ा था। कौन से वाला? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला एक कोई नॉवेल था वो मैंने पढ़ा था। तो नॉवेल पढ़ने से फायदा है क्या, मतलब क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है अगर अखबार से हटकर बात करें? हाँ, अखबार थोड़ा सा इंसिपिड टाइप
बोरिंग हो जाता है? देखो शुरुआत में जैसे मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने शुरू में दैनिक भास्कर जो आता है वो मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ अपने को न्यूज पता रहती है, करंट का थोड़ा सा, हाँ, हाँ। फिर वो न्यूज का अपने को पता था, उसके बाद जब द हिंदू पढ़ना शुरू किया था तो जो अर्थ अगर अपने को मीनिंग नहीं भी आ रहे हैं तो वो अपन उसकी वजह से उससे अपन रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ उसमें था। सही बात है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील कर रहे हो? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि सर जॉब लगने से पहले एक तो माइंड पूरा स्ट्रेस रहता है ना, तो आप कभी मतलब कि घर भी जाओ तो ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है कि यार अपन जॉब लगने के बाद घर पे आएंगे तो कैसा माहौल रहेगा। अभी इज्जत काफी मिली होगी आपको? अभी बहुत मिलती है सर ऐसा ये तो है। अपने दोस्तों से मिले क्या आप? हाँ आज मैं जिनके साथ आप ग्रुप स्टडी कर रहे थे उनसे मिले? हाँ मेरा बहुत मन रहता है लेकिन अभी तो मैं बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ, लेकिन आज जो मैं आया था इधर तो मैंने तो उनका रिएक्शन क्या रहा, एंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ हमने बहुत कुछ एंजॉय किया, आज का दिन हमने इधर सीकर में एंजॉय किया। तो घूमने गए थे क्या आप? हाँ हम घूमने गए थे इधर। अब वो भी इज्जत करने लगे? काफी इज्जत करते होंगे, इज्जत पहले भी कर रहे थे। पहले दोस्तों में वो है कि दोस्तों में जब आप रेस्पेक्ट समझने लग जाओगे तो फिर तो दोस्ती का मतलब बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। और वो भी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे कि उनका जल्दी से नंबर आ जाए। हाँ तो दोस्तों ये अजय कुमार, इन्होंने बताया कि कैसी इनकी जर्नी रही और किस तरीके से इन्होंने टाइम को मैनेज करते हुए सब कुछ मैनेज करके और ये पद प्राप्त किया और अभी भी रुके नहीं है। सबसे बड़ी खास बात ये है अभी वो तैयारी कर रहे हैं आरएएस की और ईश्वर करे कि बहुत जल्दी आपका सपना साकार हो। धन्यवाद। और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलाऊंगा आपको और किसी स्टूडेंट से जिनका सिलेक्शन हो चुका है और कुछ अलग जर्नी रही। चूंकि देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि संघर्ष हर जगह है, लेकिन अगर आप समर्पित हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। जिस दिशा में सोचेंगे वो आपका पूरा हो जाएगा सपना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।